उदाहरण 12 प्रश्न। दिए गए चित्र में AB समांतर QR, कोण BAQ बराबर 142 अंश और कोण ABP बराबर 100 अंश, तो निम्न कोणों के मान ज्ञात कीजिए। पहला कोण APB, दूसरा कोण AQR, तीसरा कोण QRP। हल। चित्र क्रमांक 38 देखिए। इसके इस प्रश्न का पहला भाग हम हल कर रहे हैं। त्रिभुज APB की भुजा PA Q तक बढ़ाई गई है, इसलिए बाह्य कोण प्रमेय से हम लिख सकते हैं कोण BAQ बराबर कोण ABP धन कोण APB। अब चित्र से देखिए। प्रश्नानुसार दिया हुआ है कोण BAQ बराबर 142 अंश और कोण ABP बराबर 100 अंश। मान रखने पर 142 अंश बराबर 100 अंश धन कोण APB। तो हम लिख सकते हैं 142 अंश ऋण 100 अंश बराबर कोण APB। 142 में 100 घटाइए तो 42 अंश बराबर कोण APB। इस तरह से हमें कोण APB का मान प्राप्त हुआ। यह हमारे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर। पुनः चित्र क्रमांक 38 देखिए। अब हम 12वें प्रश्न के दूसरे भाग का हल कर रहे हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि कोण BAQ और कोण AQR सह अंतः कोण हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण BAQ धन कोण AQR बराबर 180 अंश। हम जानते हैं कि सह अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब कोण BAQ का मान दिया हुआ है हमारे प्रश्न में 142 अंश धन कोण AQR बराबर 180 अंश। तो हमें यहाँ से कोण AQR बराबर मिलता है 180 अंश ऋण 142 अंश। 180 में 142 घटाते हैं तब हमें कोण AQR का मान प्राप्त होता है 38 अंश। यह हमारे 12वें प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर है। चित्र क्रमांक 38 फिर से देखिए। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि AB समांतर QR और PR तिर्यक रेखा है, इसलिए आप लिख सकते हैं कोण QRP बराबर कोण ABP, क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण हैं। अब चूंकि प्रश्न में ही दिया हुआ है कि कोण ABP का मान 100 अंश है,
इसलिए हम इस मान को यहाँ पे रख लेते हैं। तो हमें मिलता है कोण क्यू आर पी बराबर 100 अंश। यह हमारे 12वें प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर है। इस तरह से हमें 12वें प्रश्न के अंतर्गत दिए गए तीनों प्रश्न हल कर लिए।